हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम में 14 मार्च और 21 मार्च आने वाले हैं, उसमें ही बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, फर्स्ट है अल्पज शब्द के सटीक विलोम शब्द क्या है। अल्पज का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो अल्पज के हो जाएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ सर्वज्ञ इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक शब्द नहीं है, मतलब विलोम शब्द नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा धर्म का अधर्म। ये नहीं है, धर्म का धार्मिक है वो अधर्म होता है। आय का व्यय ये सही है, सरल का कठिन, गुरु के लघु, लेकिन धर्म का अधर्म होता है, लेकिन इसमें धार्मिक दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या होना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अधिक बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट, सही शब्द विन्यास का चयन करें, इसका आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक। मार्गदर्शक इस तरह का लिखा जाएगा, इसमें सही शब्द दिया कौन सा लिखा हुआ है मार्गदर्शक, तो इस तरह का इसका आंसर मार्गदर्शक इस तरह का लिखा जाएगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है लपटा पुह पराग पर शनि स्वाद मकरंद, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ग्रम्यत्व। नेक्स्ट है सिर से पैर तक का एक शब्द क्या है, सिर से पैर तक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा अपाद मस्तक। सिर से पैर तक को अपाद मस्तक कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है कनक कनक में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है, कनक कनक में यमक अलंकार है। नेक्स्ट, उल्टे छुरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, उल्टे छुरे से मुड़ना इसका अर्थ है मूर्ख बनाकर ठगना। नेक्स्ट, उत प्लस ज्वल का संधि विच्छेद क्या है, तो ये उज्ज्वल हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें डबल जे रहेगा, आधा आधा ज, आधा ज उसके बाद आधा ज, इसमें उज्ज्वल इस तरह का लिखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ से जिक्के आ जाता है, हमारी आकाश गंगा की आकृति है, तो वह आ जाएगा सर्पिला कार, हमारी आकाश गंगा सर्पिला कार है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मिलान करना, इधर सम्राट का नाम दिया गया है, इधर मकबरा है, तो इसका आंसर सी है। देखिए बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का हो जाएगा काबुल में मकबरा, और अकबर का कहाँ है, तो अकबर का सिकंदराबाद यानी सिकंदरा में है, और जहांगीर का ये लाहौर में है, और शाहजहाँ का आगरा में है, तो इस तरह का इसको मकबरा आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्ति किया था, तो ये मल्ल के गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो इसका आंसर मल्ल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल का विभाजन हुआ, तो यह सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों को उसके तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले कौन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सबसे पहले नामदेव आया था ये फर्स्ट में, उसके बाद आया था कबीर, उसके बाद गुरु नानक आया था, और लास्ट में आया था मीराबाई, तो इस तरह का समान है, सबसे पहले नामदेव आया था, उसके बाद कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद आया था मीराबाई, सबसे लास्ट में मीराबाई आया था, इस तरह का इसको सजाना था। देखिए नेक्स्ट, धान की खेती
प्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में धान की खेती हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हरि श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो इसका आंसर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो ये सुदपिटक में, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है तो सुदपिटक में। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? तो ये जीबी मलवंकर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। देखिए नेक्स्ट, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो ये संविधान के धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, नई अखिल भारतीय सेवा संविधान के 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। देखिए नेक्स्ट है, NIEO मतलब NIEO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर। NIEO का फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय में घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो ये केरल में, सबसे पहले केरल में घोषणा किया था। देखिए नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यह तापीय ऊर्जा है भारत में। देखिए नेक्स्ट, मुद्रा स्थिति के उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसको दुर्लभ कहते हैं, जो आसानी से सुलभ ना हो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CSO केंद्रीय स्टैटिक संगठन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, CSO। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो यह राज्य है। भारत के अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो ये पाली में बौद्ध साहित्य रचे गए थे। नेक्स्ट, भारत का सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन है? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम था, इसका संस्थापक था। और अध्यक्ष कौन किया था? तो WC बनर्जी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, लेकिन संस्थापक पूछे तो ए ओ ह्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो ये नागर शैली को उत्तरी में, उत्तरी शैली को नागर के रूप में जानी जाती है, और दक्षिणी को द्रविड़ से, इसको आंसर इस तरह का याद रखेंगे। नेक्स्ट, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? तो यह टीपू सुल्तान के था। नेक्स्ट, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो राजा जयसिंह को, जयसिंह, राजा की जय, जयसिंह को भेजा था, इस तरह का इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल कहा जाता है?
ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी होता है, इसलिए वहाँ चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये श्रीलंका के भंडार नायके थे। नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है वन अनुसंधान। नेक्स्ट, भारत में रेल के डिब्बों कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला तथा पेरम्बूर में। तो इसका आंसर डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो है मैक्सिको की मुद्रा है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो है। नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो ये गरीब ग्रामीण को आवास, गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए योजना है, इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य के नृत्य शैली है? तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये मेघा पाटकर के आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, अमृता शेरगुल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकार में प्रसिद्ध है, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये भारतोत्तोलन से संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी। नेक्स्ट, पुस्तक द एंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो यह था सलमान रुश्दी। नेक्स्ट, अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो यह संसद को है हटाने का। देखिए, नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस राज्य के उपज है? तो यह उड़ीसा का है। नेक्स्ट, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो यह बनाया था लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा का। तो लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, नेक्स्ट, वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? तो ये बुल्ला चौधरी था, बुल्ला चौधरी जो 7 समुद्र पार किए थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? जो शिवपुरी है तो वो बाघ तथा हाथी के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ये पेड़ लगाने के लिए वन महोत्सव स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो अप्रैल से मार्च, मतलब 31 अप्रैल से आ जाएगा 1 मार्च, तो अप्रैल से मार्च तक इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एगमार्क जो है कृषि के उत्पादन के लिए शुद्ध का मात्रक है। देखिए, नेक्स्ट, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से कोई भी पहले हो, मतलब 6 वर्ष के लिए होता है, अगर 65 वर्ष उसकी आयु हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए, यहाँ से साइंस आ जाता है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा मृदभिद है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैजुरियाना, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित नहीं है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक कारण दूध से दही में परिवर्तन होता है? तो यह जीवाणु के कारण दूध से दही में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर जीवाणु हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट, थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट, मलकरी सल्फाइड क्या है? तो यह हो जाएगा
भरमिलियन, मलकरी जो सल्फाइड है वो भरमिलियन है। नेक्स्ट है, शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या कंप्यूटर का शब्द है रैम, तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने में समर्थत हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम किया गया था। देखिए नेक्स्ट, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, वह ऊर्जा का परिवहन करती है। नेक्स्ट, विभवांतर नापने के लिए प्रयुक्त युक्ति जाना जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है विभव मापी में मापा जाता है। नेक्स्ट, 14 वर्ष की आयु तक बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यह प्रोटीन है सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, सूरज में नाभिकीय ईंधन है, तो यह हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तित के बिना जमा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, असंतृप्त वसा अम्ल। देखिए नेक्स्ट, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। देखिए नेक्स्ट, धान को प्रभावित करने वाले खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से या जिंक की कमी से, जिंक लिखा हुआ है या जस्ता इसको बोले। देखिए नेक्स्ट, बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि इसके अंदर सुन होता है, इसमें हवा नहीं रहता अंदर इसलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरवरीन खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर जीन संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है? तो ये जगह बंदर। नेक्स्ट, आई आर 20 किस चीज के अधिक पैदावार देने वाली है? तो आई आर मतलब चावल, राइस, लास्ट में आ रहे हैं तो इससे आप जोड़ सकते हैं राइस। आई आर 20 क्या है? चावल है। देखिए नेक्स्ट, वह पुष्प कलियां जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वो किससे प्राप्त होती है? तो ये पूछा गया लौंग के लिए, लौंग है जो पुष्प कली है, कली के लिए मसाले के रूप में प्राप्त किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो इसका आंसर केला हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? तो उत्तेजना से है तो अधिवृक्क ग्रंथि है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मानव समान मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 हो जाएगा, 23 जोड़ा होता है तो इसका आंसर 46 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, एक तालाब के किनारे एक मछुआरे मछली के भालों को मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना लगाना चाहिए, तो उसे कहाँ निशाना लगाना चाहिए? तो इसका आंसर जो है डी, पानी के ऊपर सतह पर, पानी के ऊपरी सतह पर। देखिए नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल
किस नियम के सीधा अनुप्रयोग किया गया, मतलब इसका मतलब द्रविड़ चालित है जो ब्रेक है वो किस नियम का सिद्धांत है, तो पास्कल का नियम का सिद्धांत से द्रव्य चालित ब्रेक। देखिए नेक्स्ट, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो वो न्यूटन के गति के पहला नियम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गति के पहला नियम। नेक्स्ट, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा साफ मौसम में ज़्यादा ठंड लगेगा। देखिए नेक्स्ट, किसी सिल्क मौत कोकुन में सिल्क के धागे की लंबाई किस वर्ग की होती है, तो 400 से 600 तक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आती है, मतलब कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, तो इसके आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।